सोनी लिप पर एक मूवी रिलीज हुआ है जिसका नाम है वेलकम होम। दोस्तों वेलकम होम मूवी असल घटना पर आधारित है। इस वीडियो में कहानी का थोड़ा स्पॉइलर होने वाला है, अगर आपने यह मूवी नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए और इस फिल्म से कृपया करके बच्चे दूर रहें। एक घर में 20 साल से एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक लड़की, उस लड़की का नाम था प्रेरणा और उस लड़की के मम्मी पापा रहा करते थे और उस घर में एक नौकर भी रहा करता था जिसका नाम था भोला। प्रेरणा के 8 बच्चे होते हैं जिसमें से 7 बच्चों को घनश्याम यानी प्रेरणा के पापा मार देते हैं और एक बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। एक्चुअली यह फैमिली का घर एक सुनसान जगह पर होता है। घनश्याम और भोला मिलकर 13 लोगों को मार दिए होते हैं, यानी कोई भी उनके घर में जाता था और उस घर के बारे में थोड़ा बहुत बातें पता चल जाता था उस व्यक्ति को तो उसे भोला और घनश्याम मिलकर मार देते थे। भोला यानी घर का जो नौकर होता है वो 9 लड़कियों की रेप करके मार देता है जिसमें घनश्याम का भी हाथ होता है उस मर्डर में। वेल प्रेरणा की जो माँ होती है वो अच्छे से चल नहीं पाती है और लोगों को मारते समय प्रेरणा की माँ यानी सावित्री भोला और घनश्याम का सहायता करती थी। यानी सोचो आप उनके घर पर गए और उनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ आपके ऊपर तो आप खत्म, और ऐसी वैसी मौत नहीं सबसे खतरनाक मौत। आखिर में 2 लड़की इस घर में आने के बाद सरवाइव कर पाते हैं और ये दोनों लड़कियों का नाम होता है अनुजा और नेहा। अनुजा और नेहा कैसे ये डरावनी घर से बाहर जाते हैं ये इस फिल्म में दिखाया गया है। वेल वो छोटे बच्चों को मारकर किसी शैतान को बलि देते थे या फिर कुछ और था ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और सबसे आखिर में बता दूं कि ये कहानी असल घटना पर आधारित है। वेल कहानी बहुत लंबा है लेकिन मैंने शॉर्ट में सुना दिया। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही डरावनी मूवी की कहानी सुनना पसंद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।